आपको ध्यान होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी से ही और आखिरी में संजय जी आप धन्यवाद कर देने का बच्चे कुछ आप आखिरी में बुलवाएं पूरे जी से हाँ बस काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पर निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं और राहुल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी दो चार बार और यात्रा निकालो हम आपका स्वागत करेंगे क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है वास्तव में कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जब विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था, जोगेश शर्मा जी मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे सारे मित्रगण हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़े, संजय हम तो आए थे, संजय जी आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए, हमारा तो शिवाय नमा विष्णुवे नमा शिवाय नमा विष्णुवे नमा ये मंत्र चलता ही रहता है इसी का हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन अभिनंदन और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास विश्वास बहुत बहुत धन्यवाद।